जी कुछ कीजिए ना। सूरज जी कसली ऊपर आने की कोशिश करो ना। सूरज जी संभल कर। सूरज जी संभाल के। सूरज जी कसली संभाल के ऊपर आने की कोशिश करो। कजली आंखें खोलो। कजली कजली सूरज जी लगता है ये बेहोश हो गई है। सूरज जी हमें कजली को कजली के घर पे लेके जाना पड़ेगा। पर ये कजली रहती कहाँ है? छोटू इधर आ। छोटू क्या ये कजली का घर कहाँ है? आप आओ मैं बताता हूँ। जी रुक जा तू। आज ना छोड़ूंगी, आज नहीं छोड़ूंगी उसको मैं। हाँ जी भैया जी ये लो अपनी सारी की सारी चिमटियाँ। अरे कल लेकर गई थी आपसे, अरे इतनी खराब चीज कैसे बेच सको? हाँ भाभी जी 10 रुपए में क्या गारंटी दूँ आपको? 10 रुपए क्या पेड़ पे उगते? अरे कितनी मेहनत से मेरे पति कमाते हैं। मैं तो देखो आपके यहाँ से रोज सामान लेके जाती हूँ, अब आपको ना हमारे को दूसरी जोड़ी देनी पड़ेगी बस। कौन सी कदम से भाभी जी इसमें फायदा नहीं होता हमारा ज्यादा। अच्छा अरे मारी भी दुकान है हनुमान गली में, मारे को दुकानदारी मत दिखाओ। हनुमान गली में एक एक औरत को कह दी ना तो कोई ना आएगा यहाँ लेने के लिए। बोलो बोल दूँ? ठीक है भाभी जी ले लो। जी जी धीरे टाइस आ रही है, अगर उन्होंने देख लिया ना तो मजाक उड़ाने का एक और मौका मिल जाएगा। रबीमला क्या हाल चाल है? वैसे जीजी तू इतना कंजूसी क्यों करती है? एक दुकान की मालकिन है तो अच्छे से चीज खरीदना। मेरी प्यारी बहना तुझे मैं कैसे समझाऊं, जो एक चीज 100 रुपए की मिले है उसे एक ही बारी में खरीदने का क्या मजा? चूंकि वो चीज 10 रुपए की मिल सके है तो 10 बार आओ ना बाजार में, 10 बार खरीदेंगे। पर तुझे समझ को नहीं आएगा छोड़। अरे तू तो ऐसा बड़े बाजार की तरफ जा रही है ना? अच्छा देखते हैं कि वो क्या खरीद रहा है। चल आ जा। भाई जी आ घड़ी कितना की है? जी भाभी जी ये 3000 की। 3000 ज्यादा को नहीं भाई जी, थोड़ा कम करो। देखिए भाभी जी कम नहीं हो सकता, मेरा आप यकीन मानो, आप एक बार लेके जाओ ये घड़ी, 4 लोगों में आपका नाम होगा, आप लो आपके हाथ में बड़ी फुटरी लगेगी भाभी जी। हाँ यह बात तो सही है थारी, घड़ी बहुत फूट रही है। देखिए भाभी जी घड़ी अच्छे से देखभाल करके लीजिए, बाद में घड़ी में बदल नहीं पाऊंगा। ठीक है इसकी जरूरत कौन पड़ेगी। जी जी 3000 रुपए की घड़ी ले भी ली। Thank you.
पिताजी ये तस्वीरें देख रही हैं आप, इनको देख के तो ऐसा लगता है जैसे जैसे कचरी कोई बहुत ही अनुभवी नतनी रही हो अपने जमाने की। और रस्सी पे चल के दिखाने के लिए किसी बड़े मंत्री ने इनाम भी दे रखा है। और ये शायद इनके बेटे की तस्वीर है जिसकी मौत का जिक्र देचा। अरे बेटा आप ठीक तो है ना? तुम दोनों हमारा घर में क्या कर रहे हो? अरे किसने हनी दिया? वो आप कुएं में उसके पास बेहोश हो गई थी इसलिए तो? अरे थारा क्या बिगाड़ा मैंने? मैं मर तो नहीं गई ना? मैं मर ना सकूं? मैं अपना अधूरा काम पूरा किए बिना उतना आने वाली पीछे। आप पहले पानी पी लीजिए, आपको आराम मिलेगा। पानी? अरे पानी से मुझे आराम ना मिलेगा। मारे कालजे को ठंडक तब मिलेगी जब मारे मन का बोझ मिटेगा। तुम लोग टुकुर टुकुर क्या सुने हमारी बात? हाँ निकलो मारे घर से, निकलो। अरे तारा कुर्ता फटा है इसलिए दे रही। अरे देख के रहा है कुर्ता दिया है तने चेहर नहीं। तेजा आपके बेटे का नाम था ना, क्या हुआ था उसे? उसकी मौत कैसे हुई? और क्या हालचाल है? आजकल दिखाई नहीं दे रहे थे लोग। दाई सा घड़ी तो आपने बढ़िया पहनी। बढ़िया लगी ना? अरे बढ़िया क्यों नहीं हो वे? 3,000 रुपया दे हूं। 3,000? 3,000? ओ बहुत ही महंगी बेटी है। अरे देख मेरी घड़ी देख। देखा जीजी कैसे दाई साहब 3,000 की घड़ी लेकर 3,000 लोगों को दिखा के पेट थपथपाएगी। अरे जाने दे, इतनी भी कोई चौकी को नहीं। 3,000 रुपए पानी में फेंक दो, मैं कर सकना करूंगी। सुधा जरा देखते हैं और किस किस को दिखाने वाली है। आ जरा। कुछ नहीं है। मैं
मिल गई मेरी काम की चीज। क्या मिल गई? भैया जी ये घड़ी कितने की है? 100 रुपए की। 100 रुपए की? देखा ये वाली घड़ी दे, देखो वो दाईसा जैसी 3000 रुपए वाली नहीं दिखती। देख मारे को ये 100 रुपए में मिल गई। इसे कहते हैं 350। भैया जी ये घड़ी मारे को दे दो बस। जी जी क्यों अपनी इज्जत का कचरा करने पे तुली हुई है? 100 रुपए की घड़ी ना दिन में 100 बार खराब हो, समझी? रुक जा भैया जी, ये लो। नहीं रुक। जी जी तू भी ना खुद जाके दाईसा को मौका दे रही है अपना मजाक उड़ाने का। थैंक यू। अरे मारी प्यारी बहना, हरी जीजी कोई रसगुल्ला थोड़ी कि निचोड़ा मुँह में डाला और हो गया। अरे तू देखती जा इस घड़ी का मैं केक करती हूँ। अरे अब तू देख मजा किसका उड़ता है। काका, अरे जे छोरा तो कोई कुएं पार वाली जात का लग रहा है काका। ये कपड़े देखो। अरे छोरी तो अपनी गांव वाली है कोई। हाँ कपड़े तो यही कह रहे हैं, पर ये है कौन? चेहरा कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा इसका। अरे चेहरा देख के रिश्तेदारी घाटी के थारे को इसकी नीयत ना दिख रही। हमारी जात वाली ने लेके 20 गाँव में जड्डी से घूम रहे हैं। अरे कुत्ते की पूछ ले, कितनी भी कोशिश कर लो सीधी ना हो। इतना कुछ हो गया लेकिन अकल ना इन लोगों ने जो हमारी जैसे खेलने की हिम्मत कर ली। चल गड्डी निकाल। अरे तू भी अपनी गड्डी निकाल, जल्दी कर। गणगौर कोजमन तो हो गयो, फिर मीना बिन्नी ने क्यों बुलाया? मन्नत तो लग गया है कि मीना बिन्नी का छोरी हो गई उसी, हैं? इसलिए बा खुशखबरी देना बुलाई उसी। अब सबका अपना अपना अलग अलग तरीका होगा खुशखबरी देने का, है? अरे मीना बिन्नी, तूने इतनी गर्मी में ये सूटर को पहना है? तारी तबीयत तो ठीक है ना? काकी सा मारी तबीयत तो बिल्कुल चोखी है, मगर मारे लाडे सर को ना मारे बेटे को उसको ठंड लग गई इसलिए स्वेटर पहनना पड़ा। अरे दुनिया में है ना फसल जमीन से आसमान की तरफ उग गए और इकी फसल आसमान से जमीन में गुस्सा है। आज तक कोई काम सीधो करिए के जॉब करेगी? अरे मीना बिन्नी पहले तू ये बता तूने हम सबको यहाँ बुलाया क्यों? आप सबकी खातिरदारी करने के लिए। और किस लिए? क्या खातिरदारी? सुधा जरा खातिरदारी का सामान तो ले आ सबके लिए। अरे मीना बिन्नी ये कौन है? अरे थालियों में क्या है? अरे भाभी सा ये सीता और ये गीता और ये देखिए सूजत से रचनी मेहंदी मंगवाई है मैंने। अच्छा सबसे अच्छी बात क्या की दोनों हाथों पे मेहंदी मारने के लिए 2 मेहंदी वाली अभी बुलवा ली मैंने। अरे वाह मीना बिन्नी तूने तो कमाल कर दिया। मैं तो मोहल्ला की लुगाई ने घर बुलाकर आल तो इसलिए लगवाई थी
कि मैं पापड़ चोर ना पकड़ सकूं। लेकिन यह मीना की करने की कोशिश कर रही है। हमने तो सोचा था कजरी के बेटे का जो हाल किया उसके बाद किसी हिम्मत ना होगी सर उठाने को। पर छोरा तू तो बड़ा बहादुर निकला, बास तेरी बहादुरी का ऐसा इनाम देंगे कि थारे जात वाले छोरे भी ना हमारा नाम सुन के कांप उठेंगे। अरे तू क्या सोचा था तुम्हारे गांव में घुस के हमारी जात वाली लड़की को लेकर घुमाएगा? हम लोग देखते रह जाएंगे यहाँ पे क्या चुड़िया पहनी है हम लोगों ने? पकड़ लो इसको और घसीटते हुए ले चलो हमारे लाल जी के पास। कौन है आप और इस तरह क्यों रो रही है? तो जानना चाहे ना हमारे बारे में तो जा जा पूछ उस भवन लाल से कि कजरी क्यों रोए। भवरलाल कौन है? भवरलाल और कजरी के बेटे के साथ क्या हुआ था? अरे काका ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई, ये कुएं पर वाली जात का छोरा ना है। अरे ये तो पुष्कर से आया हुआ मासा का पोता है। मासा का पोता? अरे अपने अरुण काका का बड़ा बेटा। मासा का पोता? हाँ। अरे भैया माफ कर दे, मन्ने पहचान नहीं पाए थारे को। अरे तू इस गांव में नहीं रहता है ना इसीलिए। और ये कुएं पार वालों जैसे कपड़े क्यों पहन रखे हैं तेने? इससे और बड़ा धोखा हो गया। माफ कर दे मन्ने भाया। अरे छोरो खड़े खड़े मुंह क्या देख रहा? पानी लेके आओ छोरे ने मुंह धुलाओ। अरे पहले पानी ले आ। देखिए हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है, मगर क्या हुआ था कजरी के बेटे के साथ? के बेटे की मौत के पीछे क्या कहानी? आप लोग हमारी बात का जवाब क्यों नहीं देते? क्या हुआ था उसके साथ बताइए। अरे घेसू, अरे पानी लेके आना जल्दी से। छोरे 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 ने मुंह धुलाओ। आइए आइए छोरी के मुंह धुलाओ। ये ना क्या हुआ था कजरी के बेटे के साथ? आप लोग मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे? आखिर क्या हुआ था कजरी के बेटे के साथ? काका हमें तो खेत जानी थी ना, ये घिसू के चक्कर में ना देर हो जाए। ठीक है चलो ब्याह में मिलते हैं। जयराम जी की कोई बताता क्यों नहीं? छोड़िए वो लोग नहीं बताएंगे। कितनी अजीब बात है ना संध्या जी, कजरी और उसके बेटे के बारे में ना तो घर पे कोई बात होना चाहता है और ना ही गांव में। आखिर इसके पीछे के रहस्य क्या है? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।